एम एच बी के यूर वॉशिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे WWE के सबसे खूंखार रेसलर जिसने रेसलमेनिया में अंडरटेकर जैसे बड़े रेसलर की अनडिस्प्यूटेड स्ट्रीक को खत्म कर दिया था और पूरे WWE रेसलिंग वर्ल्ड में बहुत सुर्खियां बटोरी थी, या ये कह लीजिए कि WWE में तहलका मचा दिया था। चाहे अंडरटेकर हो, चाहे रॉक, चाहे WWE के पोस्टर बॉय जॉन सीना हो, या शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग, बिग शो या हल्क होगन, ऐसा कोई बड़ा रेसलर शायद ही बचा हो जिसको ब्रॉक ने धूल ना चटाई हो। अब आते हैं WWE का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके ब्रॉक लेसनर के टॉप 10 फैक्ट्स की। इस वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर के टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ब्रॉक लेसनर को जो सक्सेस WWE में मिली है, शायद ही कोई रेसलर होगा जो ब्रॉक की सक्सेस को जरा सा भी टच कर पाए। वैसे ब्रॉक अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ही प्राइवेट रखते हैं। नाउ फैक्ट नंबर 1, ब्रॉक लेसनर एक किसान है। ब्रॉक लेसनर का जन्म वेस्टर साउथ डकोटा अमेरिका अपने पिता के डेयरी फार्म में हुआ था। मतलब ना हॉस्पिटल में ना घर में, बल्कि डेयरी फार्म में। वेस्टर एक डकोटा का छोटा सा टाउन है और ब्रॉक वही गांव में खेती करते हुए गायों का दूध निकालते हुए बड़े हुए हैं। बाद में ब्रॉक लेसनर को रेसलिंग में दिलचस्पी बढ़ने लगी। ब्रॉक लेसनर ने वैसे रेसलिंग से बहुत नाम और पैसा कमाया, पर बाई हार्ट ब्रॉक एक किसान ही है और रेसलिंग तो ब्रॉक के जैसा शायद ही कोई रेसलर करे। WWE के मैनेजमेंट और पॉल लेवेस की, मतलब ट्रिपल एच, ब्रॉक के बारे में बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर जब कमबैक करना चाहते थे WWE में, पर नॉट एज ए फुल टाइम रेसलर। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग तो करना चाहते थे पर रोज नहीं, क्योंकि रोज उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। ब्रॉक बहुत ही सिंपल गाय है, वह एक किसान है जैसे ट्रिपल एच बताते हैं। ब्रॉक असल में जैसे WWE में दिखते हैं वैसे असलियत में है नहीं, वो बहुत ही सिंपल है। WWE में कम बैक करने से पहले ब्रॉक फसलों की बुआई कटाई का काम करते थे। ब्रॉक लेसनर को घर जाना बहुत पसंद है, ट्रैक्टर चलाना, फसलों को काटना, उन्हें इसका बहुत शौक है। पर जब ब्रॉक लेसनर कम बैक करते हैं तो सिंपल वाले ब्रॉक न होकर खूंखार वाले ब्रॉक लेसनर बन जाते हैं। अब आते हैं फैक्ट नंबर 9 की। ब्रॉक लेसनर शेल्टन बेंजामिन के रूममेट्स भी रह चुके। ब्रॉक ने अपनी कॉलेज एजुकेशन बिस्मार्क स्टेट कॉलेज से की है और नेशनल जूनियर कॉलेज रेसलिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। उसके बाद ब्रॉक को यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में फुल रेसलिंग स्कॉलरशिप में ट्रांसफर कर दिया गया। ये वही जगह थी जहां पर शेल्टन बेंजामिन उनके रूममेट थे, जो बाद में ब्रॉक के असिस्टेंट कोच बन गए थे। बेंजामिन ने भी WWE में जाने का मन बना लिया था। ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी यूनिवर्सिटी के दिनों में। यहीं पर यूनिवर्सिटी में WWE ने ब्रॉक लेसनर को साइन किया था। ब्रॉक ने WWE से कहकर शेल्टन बेंजामिन को भी WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 की। ब्रॉक लेसनर इज ए फैमिली गाय। ब्रॉक लेसनर एक फैमिली मैन है। ब्रॉक ने फॉर्मर WWE डीवा सैबल, जिनका रियल नेम रीना लेसनर है, उनसे 2006 में शादी की थी। इसके अलावा उनके दो बेटे हैं, टर्क एंड ड्यूक। ब्रॉक लेसनर एक स्टेप फादर भी हैं रीना एंड वेन रिचर्डसन डॉटर मारिया के। ब्रॉक लेसनर की एक और डॉटर है जिसका नाम है मेलिन, जो ब्रॉक की प्रीवियस रिलेशनशिप निकोल मैकलेन से है। WWE में एक सक्सेसफुल कैरियर होने के बाद भी ब्रॉक अपनी वाइफ और बच्चों को सबसे पहले रखते हैं और ब्रॉक मीडिया की स्पॉटलाइट से हमेशा दूर रहते हैं और अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रखते हैं। ब्रॉक के पास एक भाई भी है जिसका नाम सैस्केटचवान है, जो एक फार्म ओन करते हैं और ब्रॉक जब भी अपने गांव जाते हैं तो वहां फार्मिंग एंजॉय करते हैं। ब्रॉक लेसनर को शिकार करने का भी शौक है।